आईपीएल 2020 को लेकर लगातार बीसीसीआई की तरफ से दो तीन हफ्तों से अपडेट्स पे अपडेट्स निकल कर आ रही है और ऐसे में आज बीसीसीआई की तरफ से तीन बड़ी अपडेट्स यहाँ पे निकल कर आई है आईपीएल 2020 को लेके, जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। बट गाइस, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे बनाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि बीसीसीआई की तरफ से निकल कर आ रही है और वो गाइस निकल कर आ रही है आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। जी हाँ गाइस, आपको पता होगा हमारे इंडिया और चाइना के बीच में अभी कुछ सही नहीं चल रहा और ऐसे में जितने सारे चाइना के ब्रांड्स हैं उन सबको वॉकआउट किया जा रहा है और ऐसे में भारत सरकार ने बीसीसीआई को बोला है आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो भी एक चाइनीज कंपनी है, तो इसको यहाँ से हटाया जाए। और ऐसे में जो कि गाइस अभी इसके ऊपर एक मीटिंग होने वाली है, इसी हफ्ते हम सभी को एक मीटिंग देखने को मिलेगी बीसीसीआई की और उसमें डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सा ब्रांड जो कि अब हमारी आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सर करने वाला है। और अभी तक की जहाँ तक रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है, आपको यहाँ पे भारतीय कोई कंपनी देखने को मिलेगी, चाहे वो जियो हो या फिर गाइस आपसे को पहले जैसा पेप्सी आईपीएल देखने को मिल सकता है। तो अगर इस पर कोई टाइटल स्पॉन्सर रहेगा तो आपको मैं बता दूँ कोई इंडियन कंपनी रहने वाली है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 की तरफ से दूसरी जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 की 60 मैचेस को लेकर। जी हाँ गाइस, दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीसीसीआई ने पहले प्लानिंग किया था कि इस साल का आईपीएल लॉन्ग चलेगा और बीसीसीआई ने ये भी साबित कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया कि इस साल आप सभी को 14 मैचेस हर टीम को देखने को मिलेंगे और हर टीम जो कि 14 मैचेस खेलेंगे एंड इस साल का आईपीएल आपको यहाँ पे 60 मैचेस का देखने को मिलेगा। तो गाइस ये भी दूसरी बड़ी न्यूज जो कि निकल कर आ रही थी आईपीएल को लेके और बीसीसीआई ने इसके ऊपर भी पूरी तरह से कन्फर्म न्यूज दे दी है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज के बारे में। तो गाइस तीसरी जो न्यूज निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 होस्ट को लेके, अब कौन से देश में आईपीएल होने वाली है इसको लेके बहुत बड़ा सवाल था और इसको लेकर बीसीसीआई ने पहले भी इसके ऊपर पूरी तरह से बोल दिया था कि इस बार का आईपीएल आप सभी को इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और फिर से जो कि यहाँ पे बीसीसीआई ने कन्फर्म कर दिया कि इस साल कुछ भी हो जाए लेकिन आप सभी को इस साल का आईपीएल 2020 आप सभी को इंडिया में ही देखने को मिलेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, सौरभ गांगुली ने ये भी कहा है अगर हमारे इंडिया में स्थिति सही नहीं रहता है तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरे कंट्री में होस्ट करेंगे आईपीएल को, अगर हमारे इंडिया में आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे आईपीएल 2020 को इंडिया में ही शिफ्ट करेंगे और अगर सितंबर महीने में हमारे इंडिया में कुछ सही नहीं रहता है तो आप आईपीएल 2020 आप सभी को यूएई में देखने को मिल सकता है। अब मैं बता दूं यूएई में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आईपीएल हो सकता है और बीसीसीआई ने इसके ऊपर बोला भी है कि वो लोग यूएई में करवाना चाहते हैं और यूएई की तरफ से परमिशन भी आ चुकी है आईपीएल 2020 को लेकर और वहाँ पर पूरी तरह से परमिशन मिल चुका है बीसीसीआई को आईपीएल होस्ट करवाने के लिए। तो गाइस एक तीन बड़ी न्यूज जो कि बीसीसीआई की तरफ से निकल कर आ रही थी, तो गाइस मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे मैंने आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।